माया दीपक पेख कर नर पतंग न्याय रविदास गुरु रा ज्ञान जिन बिरला को बच जाए नीचल नंद निधल बिलगो आदि अपार रविदास सुमरन सार सो पायो दर्श मुरार पल पल छिन छिन सिमरी है जो लोर हर द्वार हर मंजन बिर शिव नाही पणि रविदास चमार पौ सागर दो तरियाता किंदु मूर्ख जाओ जहान रविदास गुरु पतवार है नाम नहाव कर जान रविदास तन प्यारो पातरा चरत न लग है बार जरा मीच ज्यो आवे जाहत न लग है बार सोए तन कंचन जानिए ये तन नाम प्रगास रविदास राम चिंता मणि चौ दिसो जे उजास दिस दिन हर जू सिमरिए त्याग जगत कर तंदा रविदास संत सही लड़ा बिचरत हो निरदंद जो लोहा पारस मणे हिनर किरण दम कहाए रविदास राम पारस मणे ओ दर्स मह बुराए गुरु कौम दे संत सिपाही सी जिंद कौम दे लेखे ला दिती कह सती पीतियां बारा भी सुती हुई कौम जगा दिती गुरु कौम दे संत सिपाही सी जिंद कौम दे लेखे ला दिती कह सती पीतियां बारा भी सुती हुई कौम सारी उम्र विछोड़े बिच साड़ी उम्र विछोड़े बिच साड़ी इसे करते बिलकली संत रामानंद जी काकर वनीत कटारिया जी का गुरु के प्यारे जिस परिवार के बाणी पढ़न वाला सुन वाला कीर्तन करन वाला सुन वाला भजन करन वाला सतसंग दे विच बैठ के सतसंग दियां गल्लां करन वाला सुन वाला पैदा हो जावे ते ग्रंथ कहिंदे आ उस परिवार दियां 101 कुलां तरदियां असीं भागां वाले हाँ जिन्हां नूं कदी पाणी दी अखर बोलन दा किते मौका नहीं मिलिया। सतगुरु नानक देव जी महाराज दी मिलनी 19 फरवरी 1509 शिवरात्रि वाले दिन कंछी विखे जिथे लक्षा बाग कदी होया करता सी जिहदा नाम अजकल गुरु दा बाग है दास नूं उत्थे भी जाके बोलन दा मौका मिले जदों आपां जहाज लैके जांदे आं उत्थे बैठ के जदों सतगुरु नानक देव जी महाराज सतगुरु कबीर जी महाराज सतगुरु रविदास महाराज ने बैठ के इन्हां बचनां दी ये तुरकी बाणी दी अदुत्ती बाणी दी अकाली बाणी दी जदों आपस विच गोष्ठी कहिंदे ने डिस्कशन नूं आपस विच विचार वटांदरा कीता है ये गल्लां तुहानूं इतिहास दे विच होर नहीं कोई दसेगा क्योंकि इतिहास नूं असीं एक पासा रख दित्ता है सानूं चौथा पौड़ा बना के सानूं इग्नोर किया जाता है। अज जिदा मर्जी असीं बड़े तो बड़ा काम कर लईए साढ़े ते मोर वो ही लग जांदी वी बेड़े वाले आए पर जदों सतगुरु नानक देव जी हजारां मील चल के गुरु रविदास महाराज दे कोल गए उन्होंने ये चीज़ नहीं सोची कि मैं उस बेड़े आलिया के कोल जा रहा उदों उन्होंने दिमाग में ये सी
उन्हां दे हिरदे विच इह सी कि भजन वाला सिमरन करन वाला है, संत अनंत है, अंतर नाही, इहो जी व्यक्ति वाला तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा, इहो जी व्यक्ति वाला पंछी च बैठा है। वह यह समझ के नहीं सी गए कि उत्थे कोई जमार बैठा है, माफ करना मैं लफ्ज बोल रहा, उत्थे सतगुरु नानक देव जी उस महान रहब नूं मिलन गए जिन्होंने परम गत पाले सी, परम गत एवें नहीं मिलदी, जिन्होंने अपनी बाणी विच श्री राग विच पहला शब्द मारी दा तोही मोही मोही तोही, पढ़िया करो, अंतर कनक कटक जल जौपे हम ना पाप करंता एह अनंता पतत पावन नाम कैसे हुंता रहाओ, तुम जो नायक आछो अंतर जामी प्रभ ते जन जनी जय जन ते स्वामी, शरीर अराधै मोह को विचार देहु रविदास समदल समझावे को। इहो जी बिरती वाले वो महान रहवर होए जिन्हां दी गुरु नानक देव जी दे नाल मिलनी होई, ते 40 शब्द ते एक श्लोक महाराज जी उहनां दे कोल लै के आए जिन्हां नूं सतगुरु नानक देव जी महाराज ने सतसंगां दे विच जिन्ने उहनां ने तकरीबन इतिहास बहुत पढ़िया, कई जगह ते 30,000 मील चलदा, एक जगह ते 39,000, एक जगह ते 45,000, एक ते 52,000 मील महाराज ने पैदल यात्रा की है। जिथे जिथे भी महाराज जी गए ने सतगुरु नानक देव जी उत्थे उत्थे मरदाने नू कहा, मरदानिया रवाब सेड़ आपां रविदास जी दी श्री रविदास जी दी बाणी गाउणी है, जपो जी, उन्होंने बितकरा नहीं कीता है। मैं धनवादी कटारिया जी दा, वीर कमल जी जी दा और उन्होंने सपुत्र जी का मर जी ने चढ़ती कला बख्शी कहते इन्होंने घर बरकत पाने जोड़े बाणी के लड़ लगे हुए हैं। असी कोशिश कर रहे हैं कि जे बाणी का प्रकाश हो तो बाणी की गल करिए, बाणी दिल में शांति दिंदी है, बाणी अंदरों इशनान करती है। कोई गावे कोई सुने हर नामा चित लाए, इनू पढ़ने वाले नूं पता होना चाहिए मैं पढ़ की रहा, सुन वाले नूं पता हो मैं सुन रहा, ते जदों दोनां दी आपस विच रमज मिल जावे ते हर नामा फिर चित लगदा किहदे नाल, प्रभु परमात्मा दे नाल, जपो जी। सो गुरु दे प्यारिओ आपां सिर्फ ते सिर्फ जे महाराज दे आपां बचन, यही मेरा गुरु आ, यही बाणी है, सतगुर है बचन, बचन है सतगुर। जदों असीं बाणी पढ़ते हाँ जदों हुक्मनामा आता ना कितने भी लिया जाए भावें श्री हरिमंदर साहब दे विच लिया जाए, कहिंदे गुरु दे बचन सुनो, गुरु का हुक्म आया आया गुरु का उपदेश आया, इहदा मतलब जिहड़े बचन है ये गुरु है, बाणी है गुरु, गुरु है बस, इदा दे अपना बिरती इदा दी बन जानी चाहिए। हर दम दे नाल हर साह दे नाल जपो जी, जिहड़े सतनाम का जाप करते हर साह दे नाल ओह संत है, साऊ आत्मा सच्चे तो साऊ आत्मा, सच्चे तो श्रेष्ठ आत्मा, सच्चे तो सच्ची सुची आत्मा। गुरु दे प्यारे इहो जिहा दी संगत करके आपां तर सकते हैं, दुनिया दीआं गल्लां दे विच साडे लई डुबण दा मौका, लेकिन संतां दी संगत करके सानूं तरन दा मौका मिलदा है। साध संत सतगुरु सतपुरख सतपुरश एको ही पद है, सारे एको ही डिग्री है, उन्हूं संत कह लो उन्हूं साध कह लो। बाणी विच तो कहंदी है यह निशानी साध की जित भेटत तरीए, एहो जिहे साध जिन्हां दे अंदर भजन चल रहा। संत निरंजन दास जी कदी देखिया, जो बोले सो नर पै सतगुरु, मैं जकारा लवा के तुहाडी बिरती उधर लैके गया, जदों महाराज जी बहिंदे है इहनू कहिंदे इह निशानी साध की जित भेटत तरी है। गुरु दे प्यारे
जिन्हां महापुरशां दे दर्शन करके साडे मन भी तन मन हुए निहाल निहाल हो जावे उह संत ने। आओ गुरदे प्यारे अज संत सरबन दास जी की जिंदगी नूं मैं इत्थे सत्संग दे विच घट्ट तों घट्ट हजारां ही साखियां महापुरशां दीआं गुरु साहिबानां दीआं गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विचों अते तरह तरह दीआं साखियां सुना के सतगुरु सरबन दास जी दे पर उपकारां नूं आप जी तक पहुँचाया। आओ अज भी उन्होंने चेते करिए साढ़े तो उन्होंने किड़े पर उपकार ने। सब तो बड़ा उपकार छोटे होंगे अच्छी जो महापुरशां चरणों से जाते होंगे सी ना बूटा दे विच बाबा लाल जी होंगे संत गोलदास जी होंगे सी वह कहते होंगे सी घूटना फड़ा देना सानू कहना कंछी वालिया आ जावी उजड़िया देश मेरा आके बसा जावी। सानू पता नहीं सी कंछी हुंदी कीते है आओ ये गुण गाइए जिन्हें सानू कंछी भी दिखा दिती है नहीं तो सानू कदी चेता नहीं सी आना भी साडे गुरु का दरबार कित्थे है। अज मालवा ट्रक भर भर के जा रहा अज उड़ीसा तो नेपाल तो बंगलादेश तो आंध्र प्रदेश तो गुजरात तो मध्य प्रदेश तो राजस्थान तो हरियाणा तो हिमाचल तो इन्नी संगत आ रही है गुरु के प्यारे सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में। एक संत सरबदास ने इन्नी वड्डी विध बनाई कि गड्डिया भर भर के जाया करनगियां गड्डिया ते की हुण जहाज भर भर के जाने असा कुटिया च रब दा जहूर देखिया असा कुटिया च रब दा जहूर देखिया असा कुटिया च रब दा जहूर देखिया सोमा प्रेम ते प्यार दा जहूर देखिया सोमा प्रेम ते प्यार दा अधूर शब्द सुन कहिंदे महाराज जी मैनू आउंदा नहीं कहिंदे बस एक शब्द सुना दे मुड़ के तैनू कदी नहीं गाऊंगे। ते फिर महाराज ने उत्थे बीबी ने नहीं गाया ते महाराज ने उत्थे फिर जिहड़े शब्द महाराज हरिदास जी कह रहे ने तैनू मिलणी ना मानस देही जुगां दे जुग तैनू मिलणी ना मानस दे जुगां दे जुग बीत जाणगे तैनू मिलणी ना मानस दे जुगां दे जुग बीत जाणगे तैनू मिलणी ना
जाओ घर में। पंडोरे निजरा तो गुरमेल चंद जी आते ने आटे का बैग लैके। माए ने कहा कुड़े, घर वाले ने कहा कुड़े आँदी जाती रहा करी। उहदे नाल ही नाल ही पिंड मनना उतों दे संत अमरदास जी आए ने। उन्होंने कहा तेरे तो पांच शब्द सुनने अज। पांच शब्दों के वास्ते पहला शब्द उन्होंने गायन किया, माफ करना राम स्वरूप जी, उहदे सी जिंद दिन मुकदे जांदे जी साडी जिंद गानी दे। ये पांचवां शब्द है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। सो गुरु दे प्यारियो, फिर प्रेमी जिहड़ा पट्ठे ते काम करिया करदा सी उहदे भी बहुत चोज देखे आ। दस दे नाल उन्हां ने काम कीता जदों मैं मार्केट कमेटी नौकरी करदा सी रमदासपुरे तो। प्रेमी साहब जी आए ने, कहिंदे मेरे वास्ते कलियां दे हार लै के आ, लिया के जिथे मेरी बिस्तरा लग्या उहदे उत्ते लिया के खिलार दे। एक दिन पहले दी गल है, मेरे बीबी भैन बैठी रेशमो, साडे बजुर्ग श्री हरिमंदर साहिब दे पहले ग्रंथी होए ने बाबा बुढ़ा जी, ते बल्ला डेरे दे विच भी साडे पहले ग्रंथी भाई बेली राम जी, जिन्हां नूं मारी सरमदास जी बेला क्या करदे जपो जी बड़ी लीला। टांडा रोड दे उत्ते स्टील दे काम करिया करदे, जिथे गाडरां सरिया दा काम हुंदा सी, कोले दा काम हुंदा सी। अखीरले टाइम ते कहता भी वेले सर आ जा, भी ध्यान दिओ गुरु दे प्यारे, मैं लाइव गल कर रहा। बहुत वड्डा इतिहास करन लगा तो मैं तीन दिन लग जाणगे इत्थे। कहिंदे मेरे पैर कुट, एक बहाना हुंदा ध्यान दिओ, मारी कहिंदे पैर कुट, मारी जे पैर कुटण कहिंदे जराब ला। गुरु दे प्यारे जदों जराब लाई ते भाई बेली राम जी भागा वाले आ, तो सरबंदाज दे चरणा विच पद्म दा निशान सी जपो जी। ए उन्हां दे चरणा विच संत सावण सिंह जी ब्यास वाले उन्हां दे चरणा विच भी सी, श्री कृष्ण जी महाराज उन्हां दे चरणा विच भी सी। जिन्हां ने बंदगी किते कीती हुंदी है ए पद्म दे निशान उन्हां दे चरणा विच हुंदे है। गुरु दे प्यारे संत सरबंदाज दे जद रौला पाउण लगे कहिंदे किसी नाल गल ना करी, गुरु दे प्यारे इहो जे गुजे भेद जिन्हां ने दिते, ते एक खीला गुजा भेद जदों हफ्ता नूं लै के चले। महाराज जी कहिंदे मैनूं हफ्ता ना ले जाओ, बीबी भानी ते करनी कोल बैठे ने रापुर वाले। कहिंदे कुड़े मैं तां संगतां दे सामने विवान विच बैठ के बेगमपुरे नूं जाणा सी, मैनूं हस्ताल नूं लै के जा रहे ने जपो जी। इन्हां नूं कहिंदे ने ब्रह्म ज्ञानी, सद जीवे नहीं मरता है, ब्रह्म ज्ञानी तो जांदे नहीं। बात जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवो, चिपयू दर्शन देखे। ਕਿਰਪਾ
सतनाम सतनाम जो बोले सो नरपैर धन्यवाद तुहाडा। मैं ये आपा गाली सकता नहीं तो 1200 पौन लगता टेलता अजक जपो जी सतनाम। कही जावे मोहे ना बेसारो बड़ी हौली कहती बाली बार अं तुर हूं मैं कोई गीत ला दिया कले कले बोलना मोहे ना बेसारो साची प्रीत
जदों इहो जी बेनती बना के गुरु कोल आ जावे ते फिर कहिंदे ने मन साफ धार जो घर ते आवे साध संगत जन्म मरण मिटावे आस मनोरथ पूर्ण होवे। फिर मेरा गुरु कहिंदा कर चोली मैं तेरी शक्ल देख ली तेनू आ कुछ चाहिदा बिन बोलिया सब कुछ जानदा तेनू दसण दी लोड़ नहीं पर बिरती बना के आई है मंगण दा जज होवे सब कुछ मिलदा। सो गुरु दे प्यारिओ अज साडे दरम्यान मैं एक बेनती करा शहीद सदा लई जींदे ने कौमां नूं जिंदा रखण वाले शहीद है मरी हुई कौम नूं जिंदा करन वाले शहीद है। जदों जुल्म होण लगा ना पंजवीं पातशाही नूं तवियां ते बिठा दिता ते छेवीं पातशाही ने तलवार कढ ली पीरी दी मीरी दे नाल पीरी दी तलवार दो तलवारां पहन लई। जदों गुरु तेग बहादुर जी नूं दिल्ली में शहीद कीता है ते दसवीं पातशाही ने कहा कि मेरे कोल आउण लग्या हुण प्रसाद ना लैके आए इन्हां लोकां दा मुकाबला करना है। ते गुरु दे प्यारे आओ अज जिहड़े लोग साडियां धीआं भैणां नूं सानूं जाति सूचक लफ्ज बोल के गाला कढ़दे आ तुहानूं भी उहनां दा जवाब मैं तलवारां नाल नहीं कहना चाहुंदा टीवी ते बैठ के बाणी दे राहीं बाणी दे इहो जिहे तीर मारीए उहनां लोकां नूं पता लग जाए वी इह रवदासिया कौम हुण जाग चुकी है। अज उहनां जागण वालिआं चों एक मेरे उह सत्कार जो मां जिहदा पुत संत रामा जी तों बाद शहीद होया मैं उस मां नूं सलाम करना चाहुंदा इत्थे दरबार च सद के कोई नहीं बारदा पुत कोई नहीं बारदा पुत लेट हो जावे तो पंद्रह पंद्रह फोन मावां कर दियां। मैं उस मां नूं बेनती करदा बीबी सिंधो जी नूं मारी दे चरणां विच आओ और पिता जी नूं भी मैं बेनती करदा मारी दे चरणां विच आओ। मैं वीर कैलाश जी नूं बेनती करदा मैं भाजी कैलाश जी नूं बेनती करदा आउण आओ असीं इस दरबार वल्लों कुछ नहीं इन्हां नूं इन्हां दा पुत्त नहीं लिया सकदे अगर कोई दान पैसे का करने वाला होवे उहदी वडियाई कर दित्ती जावे तो साडे होर भी काम हो जाणगे। कोई बोलण वाला होवे बाणी की गल करन वाला होवे गुरु की गल करन वाला होवे गुरु के इतिहास नूं दसण वाला होवे उहनूं मन जिहा प्यार मिल जावे तो गुरु के प्यार इतिहास होर फोलेगा बीबी तेरा तेरा इतिहास होर फोल के बोलता है। अज दूसरे समाजों के कोई बंदा कोई काम करे ना तो उन्होंने मिनटरी लगता उन्हों का सत्कार बड़ा होंगे पर साडे है साडे रिवाज है आता रहता। सो गुरु के प्यारे असी छोटा जिहा इतों माण सत्कार करना चाहते हैं मेरे वीर सुदेश कुमार कैंथ जी बीबी सत्या जी बूटा मंडी वाले उन्हां वल्लों ते असी तुहाडे वल्लों इस दरबार वल्लों 451 पौंड इन्हां दी झोली विच पा रहे नाल सरोपा दे रहे हां। इह जे कहीए मुल आ उस बच्चे ने कमा के पता नहीं इन्हां नूं किन्ना अमीर करना सी। परम सत्कारयोग सत्संग जी अमृत बाणी सतगुरु रविदास महाराज जी पावन पावन हजूरी दे विच महाराज जी दे आशीर्वाद उन्हां दी कोठ विच बैठे हुए सत्संग जी आप सबनों जय गुरुदेव। अज
108 संत सरवणदास महाराज जी का पजामा ज्योति ज्योत समाओ या परसी कह सकते हैं मनाया जा रहा है। और इस तो पहला साढ़े शौकी भाई जी ने दसिया कि किस तरह दरबार में सजाया गया। दो हफ्ते में कड़ी मेहनत करके साढ़े वीर ने साढ़े बजुर्गों ने जो मेहनत की है, और राणा जी ने सही गल कही है कि जो इंजन मजबूत होंगे जो पावर बहुत होंगी है तो वह फिर ट्रेन में बहुत दूर तक ले जाता है। सो परम पिता सतगुरु रविदास महाराज जी का उन्होंने ओट आसरा लैके 108 संत सरवणदास महाराज जी के चरणों के शरदा के फुल पेंट करते हैं, क्योंकि सतगुरु रविदास महाराज की बाणी संत जनों की महिमा बहुत है। जे कुल साध वैष्णो हुए वर्ण अबर्ण रंग नहीं इसर बिमल बस जानिए जग सोए। ब्राह्मण बैस सूद और खत्री टोम चंडार मलेश मन सोई होए पनीत भगवत बचते आप तार तारे कुल दोई। तन सो गाओ तन सो थाओ तन पनीत कटंब सब लोई जिन्हें पिया सार रस तजे आन रस होई रस मगन डारे पिक खोई। महाराज जी प्रवचन करते कि वह कुल तर जाता है जिथे संत जन जन्म लेंदे हैं, वो थां वो पिंड पवित्र हो जाता है जिथे संत जन जन्म लेंदे हैं। सो उन्होंने प्रवचन मुख रखते हुए सिर मत्थे ते सजाते हुए 108 संत सरवणदास महाराज के चरणों के कोट कोट शरदा के फुल पेंट करते हुए इतने विराम लाने, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। Let me just start by saying that today we are celebrating Barsi of Guruji, and I would like to congratulate all of you. Barsi means when you celebrate a saint, of course, that he is meeting, that day he met the Creator. So it's a celebration of a saint meeting the Creator. Like Guruji said, that there is only one God, and we all, no matter what religion or what path we are, we all follow one God. Guru Ravidas ji, through his teachings, he actually taught that there is no caste system. The reality of somebody's actually elevation is the purity of the heart. We as a parliamentary office representatives, I myself representing Khalid Mahmood, unfortunately Khalid can't be here. Woh aana chahte si the, lekin because of his commitments he couldn't make it. We've been actually serving you guys, Ravidasya community, and with the efforts of our brother Ishoki Bhaji, all the other Sangat, we've been serving you under their directions and instructions, and we will be serving you whenever it's required. As I congratulate all of you for making this place a wonderful place. So I remember the day we started, in the first day when there was nothing here. And in, you know, with the blessing of Guruji, we will make this place a place to reckon. Thank you very much. जो बोले सो